हेलो एवरीवन। तो ये मॉर्निंग में मेरे हेल्दी वाली रूटीन अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अफजान का भी यहाँ हॉलीडे लग गया दशहरे का। मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम है कि मॉर्निंग में मैं थोड़ा एक्सरसाइज और योगा कर लूँ, बॉडी फ्लेक्सिबल कर लूँ, थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाए। बहुत लेजी से हो गया है, अब विंटर आ रहा है तो थोड़ा सा विंटर में एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है। और मेरा वर्कआउट होने के बाद में मैंने खाया था ब्रेकफास्ट में आज एक ऑमलेट लिया था, जिसमें बहुत सारी ग्रीन चिली और ब्राउन ब्रेड था। बहुत टेस्टी था, फुलफिल था। फिर मैंने अपने सारे पेंडिंग काम है जो घर के ख़त्म किए, फिर थोड़ा सा ड्राइंग आजकल मैं डेली कर रही हूँ, तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कि हाँ थोड़ा बहुत ये जो मेरा पहले शादी के पहले का इंटरेस्ट है वो फिर से बन गया है, और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। फिर मेरे सारे लंच बनने के बाद में मैंने भिंडी की सब्ज़ी, केले के कबाब और 2 रोटी खाए, बस यही था मेरा लंच। बहुत सिंपल सा था, यम्मी था। और सोचा अब दशहरे के इससे बहुत ऑफर्स चल रहे हैं मॉल में, तो चलो अफजान के लिए देख सकती हूँ, क्योंकि वीकेंड में सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, क्योंकि अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग शाम में ही आ गए थे कि एक्चुअल में ये मॉल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें बहुत इजी पड़ता, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो अगर हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहाँ आ जाओ, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो हम लोग सोचे कि पहले अफजान को कुछ खिला देते, उसे पता चल गया था कि अब आया है तो कुछ खाना है, तो पहले उसने तो डोनट लिया, आजकल उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खुद से कुछ मांग के खाता है, क्योंकि अफजान बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने के लिए, वो जल्दी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं और अफजान आ गए थे अपना डोनट का ऑर्डर देने, और अफजान तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, आजकल वो अपनी पसंद से ऑर्डर देता है, उसे क्या चाहिए होता है, और खड़ा था जब तक उसे वो अपना डोनट मिल नहीं गया। और उसने अपने लिए वेनिला वाला फ्लेवर का ऑर्डर किया था, जो बहुत ही यम्मी था, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे कि मम्मा बहुत टेस्टी है और बहुत टेस्ट ले के खाया है, हम लोग ने तो नहीं खाया क्योंकि वो दे भी नहीं रहा था हम लोग को। और मैंने कहा कि मुझे तो कुछ ऐसा अनहेल्दी नहीं खाना है, तो मैंने यहाँ पे क्रिस्पी नाचोस के साथ बहुत सारा सलाद था जो बहुत हेल्दी था, यम था, और एक टाकोस था। आजकल ये मेरा नया है, अगर मुझे बाहर जाती हूँ मुझे हैवी और अननेसेसरी कुछ नहीं खाना है, मैं ये एक ऑर्डर कर लेती हूँ। बहुत सारे मतलब सलाद के साथ रहता है तो अच्छा भी यम लगता है टेस्टी में। और ये टाकोस भी बहुत सारा वेजिटेबल्स के साथ था, कैबेज था और टोमेटो और राजमा था इसके अंदर, और चिकन के छोटे छोटे पीसेस थे बहुत, और बाहर से क्रिस्पी भी अंदर से यम्मी था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए चिकन का ये शायद ग्रिल चिकन कुछ था जो उन्होंने ऑर्डर किया था, मैंने तो खाया नहीं, मैंने अपना मील इंजॉय किया, उन्होंने अपना किया। हम लोग ने खाने के बाद सोचा कि अब पेंटालून या मैक्स चलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है, अब सारे ये 2-3 महीने बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा आप लोग को और बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि आगे हमारे बर्थडे एनिवर्सरी सब कुछ आने वाला है, तो मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ कि ऐसे टाइम में ले लिया जाए। तो यहाँ हम पेंटालून आ गए थे, क्यूट क्यूट टी शर्ट थी और एक दो मुझे अच्छी भी लगी, बट देख सकते हम लोग वहीं पे अफजान को ट्रायल कर रहे थे कि एटलीस्ट उसे देख ले कि उसे फिट कैसा आ रहा है। तो मुझे स्पाइडर, आजकल सुपरमैन उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया, तो हम लोग ने सोचा उसके लिए सुपरमैन वाली टी शर्ट्स देख लेते। तो ये उन्हीं मटेरियल का था ये जो टी शर्ट है, और थोड़ा सा इसको फिट हो रहा था, मतलब आने वाले टाइम में ये बिल्कुल भी पहन नहीं पाएगा, बहुत गर्मी मतलब उसको चुभेगा। मुझे जितना अच्छा दिख रहा था, क्वालिटी थोड़ी सी रफ लगी। उसके बाद हम लोग ने 2-3 नए वाले जो है गेम्स खेले, बट आज हमारा लक अच्छा नहीं था, आज हमें कुछ भी नहीं मिला है, और अफजान ने 2-3 नए राइड्स को ट्राई किया है, बस यही था। हम लोग अब अफजान घर में रहने वाला है, तो हमारा मतलब हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगेंगे ही मॉल को, क्योंकि वो बहुत इंजॉय करता है, और मैं यहाँ पे हमारे सोसाइटी में नहीं, कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ कुछ अफजान के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है, और ये नियर बाय में है, तो जब भी हम लोग को ऐसा कुछ मिलता है कि शाम को कहाँ जाना, 1-2 घंटे के लिए हम लोग आ जाते हैं, ये खेल लेता है, और हम लोग बस ऐसे ही घूम के अपना, क्योंकि यार बाहर रहते और कहाँ जाएंगे, क्योंकि सारे जो मेन मार्केट से यहाँ से काफ़ी दूर है, और हम लोग बाइक से ही आए थे क्योंकि नियर बाय में है, आपको बताया था जैसे कि मैंने, और अच्छा खासी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा, दिन बहुत अच्छे से इंजॉय करके बिताया है। बस यही था छोटे से फ्राइडे वाले ब्लॉग में, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।